हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगा। आज हम करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर करने से पहले हम एक थोड़ा सा समझेंगे कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। कोई भी नंबर जिनका लास्ट का जो नंबर होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो इवन नंबर होते हैं। इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इवन नंबर जिनका लास्ट का नंबर होता है 0, 2, 4, 6 एंड 8, वो हो गए इवन नंबर। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं जिनका लास्ट का नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो भी इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8। इस हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी इवन ऑड का क्वेश्चन करेंगे, हम सबसे पहले ये सब लिखेंगे। जब एक हमें क्वेश्चन आएंगे इन सर्कल द इवन नंबर या ऑड नंबर है, ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। उनमें सबसे पहले आपने इवन और ऑड कैसे ऐसे आपने लिख लेना, हर क्वेश्चन में साइड पर आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इवन नंबर की हम बात करते हैं कि इवन नंबर कैसे, ऐसे इवन नंबर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो गया 2, 12, 20, ठीक है। उस वैसे ही अब 4 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 4, 14, 74। उसी तरह ही 6 का हो गया 16 एंड 60 एंड 26। इस तरह, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 आएगा वो हमारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओड की, जिस तरह इवन नंबर होते हैं उसी तरह ही ओड नंबर, जिन भी नंबर के पीछे 1, 3, 5, 7 आएगा वो नंबर होंगे ओड नंबर। जैसे 1, 1 हो गया, 3, 3 हो गया, 5, 5 हो गया, 7, 7 हो गया, 9, 9 हो गया। वैसे भी और भी नंबर होते हैं, जैसे कि 4, 4, 1, राइट, 5, 2, 9, 83, ठीक है, 1, 5, 1, 1 एंड 5 लगा दो आगे, ठीक है। इस तरह से ये इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, एक बार दोबारा मैं बताती हूँ कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। वो नंबर इवन होते हैं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ऑड नंबर वो होते हैं जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 होता है। और अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको दिखाई दे रहा, इन सर्कल द इवन नंबर, ठीक है। इसमें हम इवन नंबर को इन सर्कल करेंगे। हाँ जी, इवन नंबर को हम इन सर्कल करेंगे। जैसे हमारे पास पहला नंबर है 3, 4, 9, 4, 2, 6, 6, 3, 1, 5, 7, 3, आगे है 6, 3, 7, 4, 2, 8, 1, 9, 0, 2, 1, 2। ये ऐसे हमें क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा होगा कि इवन नंबर को हमें सर्कल करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सबसे पहले, मान लीजिए हमारी आंसर शीट है, हमने सबसे पहले साइड पर हम ये लिखेंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8, और ओड का लिखेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है, ओके, लिख लिया। अब देखना, हमें इवन बोला है ना, यस, ये तो इवन का क्वेश्चन है। तो जिनके पीछे हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होगा उनको हम सर्कल कर देंगे। जैसे हमने पहले इसको सर्कल किया 4, 2, 6, क्योंकि इसके पीछे 6 था। अब 6, 3, 1 को नहीं करना क्योंकि हमने इवन नंबर ढूंढने, 5, 7, 3 के पीछे 3 है, इसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। आगे कौन सा नंबर है, 6, 3, 7, नो, इसके पीछे भी ये वाला नंबर नहीं है, और आगे है ये 4, 2, 8, यस, इसके पीछे 8 है, जो हमें, जो इवन में हमें देखना है 0, 2, 4, 6, 8, तो इसलिए हमें इसको सर्कल करेंगे। इसमें, अरे इसमें 0 है, 1, 9, 0, इसको भी सर्कल करेंगे, 2, 1, 2, इसको भी सर्कल करेंगे। लेकिन 3, 4, 9 में 9 है लास्ट, बट हमें इवन नंबर में देखना है वो नंबर जिनके पीछे 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 0 होगा। 6, 3, 1 को भी हमने छोड़ दिया क्योंकि ये भी ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है। 5, 7, 3 ये भी ऑड नंबर है, और 6,
37 ये भी ऑड नंबर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हमें बोला गया इवन, तो हम ई लिख के 0, 2, 4, 6 और 8 लिख लेंगे, और जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। उसी तरह ही अगर ऑड नंबर की बात करें, सेम वे ऑड नंबर को सर्कल करना है, इसमें भी हम पहले ये लिख लेंगे O 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है बेटा, इसके वजह से जैसे इसमें 7, 2, 6 है, बट हमें पता है कि हमें नंबर चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। अब इसको नहीं लेंगे, 4, 4, 1 इसके पीछे 1 है, राइट, 5, 7, 0 नो, ये हमें 0 तो चाहिए ही नहीं है, हमारा तो हमारा क्वेश्चन तो ओड को सर्कल करने का है। 5, 2, 9 यस, हम 9 ओड है तो ये नंबर भी ओड हो गया। 2, 0, 0 नो, हमें 0 तो चाहिए ही नहीं, हम तो ओड को सर्च कर रहे हैं। हम हर नंबर को देखने के लिए सबसे पहले आपने जो यहाँ लिखा है ना उसको देखो, फिर सर्कल करो, यहाँ देखो फिर सर्कल करो, चाहे इवन है चाहे ओड है। 83 भी ओड नंबर है, ये भी सर्कल नहीं करेंगे। 4, 9, 8 राइट, ये 8 ये कौन सा नंबर है ना, 4, 9, 8 ये इवन नंबर है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। 83 हमारा ओड नंबर, हमारा क्वेश्चन ओड है तो इसको हम सर्कल करेंगे। 3, 5, 5 ये भी हमारा ओड नंबर है, इसको हम सर्कल करेंगे, राइट। 1, 1, 3 ये भी हमारा ओड नंबर है, इसको सर्कल करेंगे। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमें इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे इन सर्कल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।